हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रेडिशनल तरीके से ब्लेस स्टाइल में स्मॉल फिश करी बनाएंगे। स्मॉल फिश बहुत टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो छोटे मछली, एकदम बहुत ज़्यादा छोटे नहीं है। सबसे पहले हम इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे। छोटे मछली को कैसे साफ़ करते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर पहले से छोटे मछली की बहुत सारे रेसिपी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने कैसे साफ़ करते हैं वो वहाँ पर दिखाया है। तो देखिए, मैंने फिश को अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसे हम मैरिनेट करेंगे। एक छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और थोड़ा सा हल्दी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। छोटे मछली में बहुत सारा कैल्शियम होता है और इसमें फैट की मात्रा भी कम होती है। अब चलते हैं गैस की तरफ। मैंने तवा को गर्म होने के लिए रख दिया था, उस पर डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल। तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हम इसमें मछलियाँ डालेंगे। तेल को एकदम धुआं उठने तक गर्म होने दें, तभी मछलियाँ तवे पे नहीं चिपकेंगे। एक के ऊपर एक मछली नहीं डालेंगे, फैला कर डालेंगे ताकि मछली ना टूटे। मैंने यहाँ पर आधे मछली को फ्राई करने के लिए रखा है, दो बैच में हम फ्राई करेंगे। मछलियों को डालने के बाद तुरंत ही उलट पलट करने की कोशिश ना करें, एक तरफ से थोड़ा सा सिक जाए और मछली थोड़ा सा सेट हो जाए तभी इसे पलटना है। मछली बहुत सॉफ्ट होती है तो इसे तुरंत ही उलट पलट करेंगे तो टूट जाएगा। मछली एक तरफ से सिक चुका है तो मैंने इसे पलट लिया है। मछलियों को हम बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, छोटे मछली है तो ड्राई हो जाएगा। मछलियों को पलटने के बाद दूसरी तरफ हम दो तीन मिनट सेक लेंगे और इसे हम निकाल लेंगे। दोनों तरफ से मछली हमारा सिक चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। तवे में थोड़ा सा तेल डालकर बाकी सारी मछलियों को भी हम फ्राई कर लेंगे। मैंने सारे मछलियों को सेक लिया है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है, उस पर डालेंगे दो बड़े चम्मच तेल। इसमें बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके लिए मसाला पीस लेते हैं। लहसुन, अदरक, लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया और एक बड़ा चम्मच जीरा, इन सारी चीज़ों को हम एक साथ पीस लेंगे। हम इसमें कोई भी मसाला पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही गरम मसाला का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सरसों डाल दिया है। सरसों अच्छे से चटक जाने के बाद हम इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। यहाँ पर मैंने प्याज थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, इसका मिठास आता है। अगर आपको ज़्यादा प्याज डालना पसंद नहीं है तो प्याज कम डाल सकते हैं। प्याज का कलर हल्का सा चेंज होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए, प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे और कलर के लिए एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। हल्दी और लाल मिर्च को पहले डालने से ग्रेवी में एक अच्छा सा कलर आता है। अब हम इसमें पिसा हुआ मसाला डाल देंगे। धीमी आंच में अच्छे से मसाले को भून लेना है, मसाला कच्चा नहीं रहना चाहिए। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। मैंने यहाँ पर एक बड़ा साइज का टमाटर लिया है। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमाटर को हमें अच्छे से पकाना है, इसे हम ढक कर धीमी आंच में 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। देखिए, टमाटर हमारा अब सॉफ्ट हो गए हैं। टमाटर को हम अच्छे से मसाले के साथ भून लेंगे। टमाटर को मसल लेते हैं अच्छे से। टमाटर का कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे, ग्रेवी में अच्छा टेस्ट आएगा। टमाटर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है मसाले में और अच्छे से भून भी गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। अब जिस हिसाब से ग्रेवी रखना चाहते हैं उसी हिसाब से पानी डालें, पर छोटे मछली में ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखते हैं। पानी को अच्छे से उबलने देंगे, उसके बाद हम इसमें फिश को डालेंगे। छोटे मछली को पकाने के लिए ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं लगता है, ये फटाफट से पक जाता है। पानी अच्छे से उबलने लगा है, अब हम इसमें फिश को डाल देते हैं। मछली डालने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट तक उबालेंगे और हमारा फिश करी रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिश को हमने पहले से ही फ्राई कर लिया था तो इसे और ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट उबलने देंगे।
छोटे मछली बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो इसे हम ज़्यादा उलट पलट करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि ये टूट सकता है। तो इसे ऐसे ही 3-4 मिनट उबलने देते हैं। 4 मिनट बाद हमारा करी रेडी हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ढककर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हमारे यहाँ इस मछली को जड्डा माछ कहा जाता है। अगर आपके यहाँ इसे किसी दूसरे नाम में जाना जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। 10 मिनट बाद देखिए फिश अच्छे से सेट हो चुका है और इसका ग्रेवी भी कम हो गया है और गाढ़ा हो गया है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। हमारा विलेज स्टाइल फिश करी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।